Now, I come to the schedule which you were waiting. And I hope I didn't delay it. I have not bored you by what I said. So now, we'll be announcing schedule in three phases. First, for the by-elections. There are 26 assembly constituencies in the country jahan by-poll hona abhi hai due. Bihar, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Maharashtra, Tripura, Uttar Pradesh, West Bengal, Telangana, Himachal Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Tamil Nadu. In sab rajyon mein by-elections hona due hai. Aaj tak ki jitni bhi vacancy thi by-elections ki, 26 ki 26 hum puri kar rahe hain taki hamare khate mein koi bhi vacancy na rahe. Aur ye usi phase mein hongi jis phase mein parliamentary election उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है. वो कब हो रहा है वो मैं आपको जब फेज आएंगी तो उसमें दिखा दूंगा. बट ऑल दी 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल गो टू द बाईपोल सो दैट ड्यूरिंग दिस इलेक्शन इटसेल्फ वी कैन कंप्लीट दिस एंटायर प्रोसेस. अगर आपने नोट कर लिया हो तो नाउ आई कम टू द असेंबली इलेक्शंस. साथियों, चार राज्यों में असेंबली इलेक्शंस जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं. सिक्किम जो 2 जून को विद 32 असेंबली सीट्स, उड़ीसा जून 24 विद 147 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अरुणाचल प्रदेश ऑन 2 ऑफ जून विद 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, आंध्र प्रदेश ऑन 11 जून 2024 विद 175 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. दीज आर the simultaneous elections to the parliament. They'll be held simultaneously. They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held. So now, when I tell you the parliamentary elections, then I will tell you. But in case of Andhra Pradesh, the date of issue of gazette notification would be 18th of April 2024, a date of poll would be 13th May 2024. तो आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 2024 को होगा और डेट ऑफ पोल 13 मई 2024 को होगी. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी. 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल. सॉरी 19 अप्रैल को, 20 मार्च 19 अप्रैल. इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल. 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल. उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन, दिस विल बी कंडक्टेड इन फेजेस एंड फर्स्ट फेज वुड बी ऑन 18th अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल वुड बी 13th मई. फिफ्थ फेज में होगा सेकेंड फेज ऑफ द असेंबली ऑफ उड़ीसा 26th अप्रैल एंड 20th मई. देन सिक्स्थ फेज एंड सेवेंथ फेज ऑल्सो उड़ीसा वुड हैव द असेंबली इलेक्शंस. सिक्स्थ फेज बींग ऑन 29th अप्रैल एंड 25th मई इलेक्शंस. ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में, रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो. कमिंग टू द जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार, बिगेस्ट. 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ विच 84 आर रिजर्व फॉर एससीज एंड 47 आर रिजर्व फॉर एसटीज. तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्यौहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग. छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं. शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज 1, वील डू इट इन 7 फेजेस.
as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज वन का शेड्यूल एक दिन से हमें दो बार करना पड़ रहा है, फिर बिहार के लिए वहाँ एक फेस्टिवल है तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है क्योंकि वहाँ त्यौहार हैं और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी. सो फेज वन दिस विल लुक लाइक दिस. ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अभी. ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा. तो इसमें जो फेज वन का जो मैप है इसमें नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी. ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है. सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में. सेकंड फेज विल नोटिफिकेशन विल स्टार्ट ऑन 28th ऑफ मार्च एंड डेट ऑफ पोल विल बी 26th ऑफ अप्रैल. सिमिलरली हियर in case of J&K because of the some holiday the date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification or date of poll would be common. Phase 1 mein 21 rajya polling mein jayenge aur phase 2 mein usme se aur rajya jud jayenge. So this is the map which would be phase 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे. फेज 3 वुड बी फ्रॉम 12th ऑफ अप्रैल एंड डेट ऑफ पोल विल बी 7th ऑफ मे. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा. इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा. राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे. फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th ऑफ मे. डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी 4th ऑफ जून फॉर ऑल बाई इलेक्शंस, फॉर द असेंबली इलेक्शंस, फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा. इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा वुड स्टार्ट एंड बाई दैट टाइम अदर देन दैट एंटायर साउथ इंडिया वुड बी कंप्लीट, एंटायर वेस्टर्न इंडिया would be complete, north east would be complete. और fifth phase 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी. 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी, बीच में नॉमिनेशन स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी. काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th ऑफ जून. इट विल लुक लाइक दिस विच इज इन फ्रंट ऑफ यू. एंड फेज 5 में 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी गोइंग टू द पोल. Phase 6th mein 57 constituencies will go to the poll starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. Iska map kuch is tarah ka dikhai dega ki mostly UP, Bihar, Bengal, Odisha aur saath mein kuch north ka portion chalu rahega. Last phase 7th phase notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. The last polling would be on 1st of June and counting on 4th. And this phase mein pura Punjab,
हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा. दिस इज हाउ द मैप विल लुक. येलो डिनोट्स द फर्स्ट फेज एंड अकॉर्डिंगली द लीजेंड्स आर गिवन. वी विल शेयर दिस मैप ऑल्सो विद यू, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें. ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज वन में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज टू में 89, फेज थ्री में 94, फेज फोर में 96, 49, 57, 57. सो विल स्टार्ट विद 102 द लार्जेस्ट, स्लोली कम डाउन एंड फिनिश नॉर्थ ईस्ट, मूव अप फ्रॉम द साउथ एंड फिनिश द वेस्टर्न एरिया. तो इसमें वेदर और हर चीज़ का ध्यान रखते हुए काफ़ी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है. विद दिस जो सिंगल फेज सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी, दो राज्य चार बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर. तीन फेज में दो जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम. चार फेज में तीन जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड. फाइव फेज में दो जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक फेज होगी. और सात फेज में तीन जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. विद दिस फ्रेंड्स आई एंड माई एड्रेस एंड थैंक यू वेरी मच.